नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अल्प सुबह ही अनूपपुर से अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मेरी और अपनी ओर से आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, मां नर्मदा की वजह से ही पूरा मालवा हरा भरा हो रहा है। मध्य प्रदेश की गुजरात की जीवनदायिनी नदी है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ती है। जिस तरह दोनों प्रदेशों में विकास हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा का है। देशवासियों को मेरी अपनी ओर बधाई, हार्दिक बधाई। माँ नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे यही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी। नर्मदा जी के कारण से ही ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ पड़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ नर्मदा का है। मालवा तक नर्मदा जी के कारण से आज पुनः हरा भरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज अमरकंटक में मैं यहाँ स्नान के और दर्शन के और खास करके दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे माँ नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे और माँ नर्मदा जी सदैव मुस्कुराती रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।